नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। दशमी तिथि आज 9:41 तक रहेगी। आज शाम 6:10 तक धृत योग रहेगा। किसी भवन या स्थान का शिलान्यास, भूमि पूजन या नींव रखने के लिए धृत योग को बहुत उत्तम माना गया है। इसके अलावा आज दोपहर 2:12 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। आज सुबह 10:50 से रात 9:41 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यायी जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 9 जनवरी की दोपहर 12:32 से शाम 5:18 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 11 जनवरी की सूर्योदय से सुबह 9:55 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 पर शुरू हुआ था और सुबह 10:50 तक रहेगा, और फिर आज ही रात 9:40 से कल सुबह 7:15 तक भी रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी 9 जनवरी की सुबह 7:39 से दोपहर 12:14 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी 9 जनवरी की सुबह 7:39 से दोपहर 12:14 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 पर शुरू हुआ था और सुबह 10:50 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त आज सुबह 7:15 पर शुरू हुआ था और सुबह 10:50 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 जनवरी की सुबह 10:29 से दोपहर बाद 3:25 तक और शाम 5:40 से रात 12:33 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 पर शुरू हुआ था और दोपहर पहले 10:50 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय 10 जनवरी की दोपहर 3:37 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, वृष, कन्या और वृश्चिक राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि कोई भी काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर पहले 11:10 से दोपहर 12:28 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:23 से दोपहर 12:46 तक। चंडीगढ़ दोपहर पहले 11:12 से दोपहर 12:29 तक। लखनऊ सुबह 10:54 से दोपहर 12:13 तक। भोपाल दोपहर पहले 11:06 से दोपहर 12:27 तक। कोलकाता सुबह 10:22 से दोपहर पहले 11:44 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:25 से दोपहर 12:46 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा 10:50 से 12:16 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम।